हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 हिंदी का पहला पाठ। आज हम आपको इसके प्रश्न और उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी निकालेंगे और उसमें प्रश्न और उत्तर नोट करेंगे। तो हमारा पहला पाठ है आज। कक्षा 6 हिंदी का पहला पाठ, पाठ 1, वह चिड़िया जो। पाठ का नाम है पाठ 1, वह चिड़िया जो। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ पहला शब्द है जुंडी। इसको हम कहते हैं ज्वार की बालियां। जुंडी ज्वार की बालियां। दूसरा है रुचि से, यानी कंठ। कंठ का अर्थ है गला। अगला है बूढ़े वन बाबा। एक शब्द आया था यहाँ पे बूढ़े वन बाबा। इसका अर्थ है पुराना घना जंगल। पुराना घना जंगल। फिर है रस उड़ेल कर। इसका अर्थ है मीठी आवाज। अगला शब्द है विजन। विजन का अर्थ है एकांत। अगला शब्द है चढ़ी नदी, यानी भरी हुई नदी। भरी हुई नदी। तो यहाँ पे ये पाठ के शब्द और अर्थ हुए।
एक बार आप फिर से इनको समझेंगे। जुंडी ज्वार की बालियां, रुचि से चाव से, कंठ गला, बूढ़े बन बाबा पुराना घना जंगल, रस उड़ेल कर मीठी आवाज, चढ़ी नदी भरी हुई नदी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अभ्यास। कविता से तो पहला इसमें प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो चिड़िया को देखकर हमारे मन में क्या चित्र उभरते हैं, हम उसको यहाँ पे लिखाएंगे और इसको आप क्या करेंगे, कागज में बनाने की कोशिश करेंगे कि वह चिड़िया किस तरह से यहाँ पे दिखती है और चिड़िया की क्या विशेषता है। तो इस प्रश्न को हम नोट करेंगे यहाँ पे। प्रश्न एक, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र उस चित्र को कागज पर बनाओ। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे कि हमारे मन में क्या क्या चित्र उभरते हैं। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिखेंगे, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्न लिखित चित्र उभरते
नंबर एक या को क्या चित्र उभरते हैं? वह नीले पंखों वाली, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। नंबर ख, चिड़िया मधुर स्वर में गाना गाती है। चिड़िया मधुर स्वर में गाना गाती है। गो है वह बहती नदी का पानी पीती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। अगला है घ, चिड़िया का आकार, चिड़िया आकार छोटा है। और माँ है अगला, उसे आजादी पसंद है। तो कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं, क्या क्या उभरते हैं? वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है, चिड़िया मधुर स्वर में गाना गाती है, वह बहती नदी का पानी पीती है, चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आज़ादी पसंद है। आप इसको एक कागज़ में इस चित्र को बनाने की कोशिश करेंगे कि नीले पंखों वाली चिड़िया, यह बनाने की कोशिश करेंगे और मधुर शर्मा गाना गाती है, वह बहती नदी का पानी, उसमें आप नदी को भी थोड़ा चित्रित करेंगे जिससे वह अपनी चोंच से पानी उठा रही है, वह चिड़िया छोटी है, उसका आकार छोटा बनाएंगे और उसे आज़ादी पसंद है। यह आप इसको कागज़ में बनाने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न दो, प्रश्न नंबर दो। तुम्हें कविता का
कोई और शीर्षक, कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? आप आराम से इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए और अपनी कॉपी में कीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? इसका उत्तर आपको लिखाएंगे। उत्तर होगा नन्हीं। सुंदर चिड़िया। या परिश्रमी मेहनत करने वाला। चिड़िया, इसका जो शीर्षक होगा नन्ही चिड़िया, छोटी चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है?
प्रश्नवाचक चिन्ह। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। इसका उत्तर है इस कविता की आधार पर ज्ञात होता है या पता चलता है होता है कि चिड़िया को दूध से भरे अनाज के दाने नदी तथा जंगल और एकांत से बहुत प्यार है। तो इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध से भरे अनाज के दाने नदी तथा जंगल और एकांत से बहुत प्यार है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, करो यानी अर्थ बताइए। तो पहला है क रस, उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर का आशय हमें लिखना है कि इसका क्या अर्थ है। चिड़िया जब ज
जंगल में अकेली होती है। तब वह बिना किसी संकोच के मधुर स्वर में गाना गाती है। उसके स्वर मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। तो इसको फिर से समझेंगे, रस उड़ेलकर गा लेती है। इसका अर्थ है, चिड़िया जब जंगल में अकेली होती है तब वह बिना किसी संकोच के मधुर स्वर में गाना गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। ख है इसी का दूसरा भाग, चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। जल का मोती ले जाती है। चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अब इसका आशय स्पष्ट करना है। छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी का या भरी हुई नदी का भरी हुई नदी से नदी से
बिल्कुल भी नहीं घबराती है, वह उफनती हुई नदी से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। और उसी पानी से अपनी प्यास बुझाती है। अपनी प्यास बुझाती है। यह पानी उसके लिए मोती की तरह अमूल्य है। तो दोबारा से इसको समझते हैं। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, अर्थात इसका अर्थ है छोटी चिड़िया भरी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती हुई नदी से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है और उसी पानी से अपनी प्यास बुझाती है। यह पानी उसके लिए मोती की तरह अमूल्य है, यानी एक बहुत बड़ा साहस भरा वह काम कर रही है। वह भरी हुई नदी से अपनी चोंच में पानी को ला रही है, तो यह उसके लिए बहुत साहस भरा कार्य है, इसलिए वह पानी उसके लिए मोती की तरह क्या है, अमूल्य है। तो आप इसको फिर से यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए और उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। अच्छी राइटिंग आप बनाएंगे।
तो आज हम इस भाग में आपको यहीं तक प्रश्न और उत्तर करा रहे हैं, बाकी के प्रश्न हम आपको अगले भाग में कराएंगे।